ओके जी, आई एम ऑल सेट टू गो टू कलाम। सो सबसे पहले टर्मिनल पे जाना है। अरसलान भाई वहां पर वेट कर रहे हैं, बैग्स पैक हैं एज यू कैन सी। सो पहले टर्मिनल पे चलते हैं, बाकी बातें बाद में। ओके जी, फाइनली मैं सिटी टर्मिनल पहुंच चुका हूँ। मास्क भी गायब है क्योंकि आपको पता है कोरोना फैल रहा है। सो दैट माइट बी द रीज़न, जस्ट टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स। फिर चलते हैं और चल के अरसान को ढूंढते हैं। अरसान भी यहीं की बैठा हुआ है, तो चल के ढूंढते हैं। जी फाइनली अरसान भाई को हमने ढूंढ लिया। अरसान भाई टर्मिनल पे बैठे हुए थे। अरसान भाई को आपने मैंने शुरू के ब्लॉग्स में देखा होगा। अरसान भाई का अपना वहाँ पे पाकिजा होटल है, तो उस हवाले से जा रहे हैं जी। पहले तो अरसान भाई से हेलो हाई कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। ओके जी, अरसान भाई की कॉल आई थी। अरसान भाई कितने दिन पहले कॉल की थी? दो दिन पहले कॉल आई थी। और अरसान भाई ने मुझे कहा था जी कि कलाम जाना है, होटल को ताले शाले लगाने। तो उसी चक्कर में इन्होंने मुझे राज़ी किया। तब मेरा ख्याल है मैंने आपको शायद ये कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी खुले हुए, तो जैसे वो बंद हो गए वो बंद हो उस दिन शाम को खुशखबरी आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैंने कहा था। बहरहाल क्या कर सकते थे, ये कोरोना पैनडामिक का सेकेंड वेव है, तो उसी के चक्कर में जो है वो बंद हुए थे। बहरहाल अब टर्मिनल पर पहुँच चुके हैं और मेरा ख्याल अरसान भाई ने टिकट भी परचेज कर ली। अरसान भाई टिकट कहाँ है? ये जी टिकट्स हैं, ये छानमुरे वाली आदत होगी टिकट की। ये शुएब भाई को दी थी कि मेरे से घूम ना जाए या ख़राब ना हो जाए, तो आप इसको सेफ जगह पर रख लें। ये इन्होंने सेफ जगह पर रखी। ज़्यादा पुरानी होगी, बुरी हालत। अरसान भाई तो पहले जाते रहते क्लाम में। अरसान भाई इस टाइम ठंड कितनी होगी वहाँ पर? ठंड जी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी है, और शुएब भाई थोड़े से बारीक तबीयत के आदमी हैं। तो असल में मुझे ज़रा सर्दी का फोबिया है, विंटर फोबिया कह ले, मुझे सर्दी बहुत लगती है। तो कहते हैं फोबिया ख़त्म करने का बेहतरीन हल ही होता है, उसकी उसकी पीक देख लो, उसमें घुस जाओ, यानी उसमें घुस जाओ जी। तो अब बात यह, इतनी ठंड देखनी है कि आइंदा के बाद ठंड ना लगे लाहौर आगे। अभी फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी फर्स्ट टू स्नोफॉल्स हुई हैं कलाम में, तो आई थिंक 16-17 माइनस टेम्परेचर, तो -16-17 चल रहा है, लेकिन अच्छा है। रात को जो है वो थोड़ा सा बंदे के लिए मुश्किल हो जाती है कि मैं कितने आ गए, बाकी दिन के टाइम भाई इतने माइनस में आपके पास क्या सामान होना चाहिए? ये जी एक बैग दिखाए ना, ये इसके अंदर आप बताएं कि आप क्या लेकर आए। इसमें मेरे पास ही इस बैग में जी मैंने अब्बा जी का इलेक्ट्रिक हीटर था वो भी रखी है जी। इन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी ठंड होती है, तो बाकी देखते हैं। अब बस लगने लगी है, बस में चलते हैं, बैठते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं, बाकी बातें रस्ते में होंगी। ओके जी, 10 बजे चले थे, अभी 12:30 हो चुके हैं और कलर कार में स्टे हुआ है, हैविंग अ कप ऑफ टी। सर्दी है, दैट माइट बी द रीज़न कि चाय पी रहे हैं। और अभी मेरा ख्याल है सफ़र आधा भी अभी नहीं तो, हुआ। हाँ ऑलमोस्ट 35% कह लें हो गया। चल यहाँ 35% हो गया बाबा के, भी मुकम्मल हो जाएगा, मगर अभी यह है कि यहाँ पे भी काफ़ी ठंड महसूस होना शुरू हो गई है। ओके जी, सुबह के 4:15 बज चुके हैं और हम सोहराब चौक उतरे थे और वहाँ से फिर पैदल ट्रेवल करते हुए कौन सा जी ग्रीन चौक पे आके खड़े बकौल अरसलान साहब के, यहाँ पे 5-6 या 4-5 रेस्टोरेंट है जो सुबह सुबह खुल जाते हैं जी।
मगर क्या कमाल का मंजर है कि इससे पूरा बाजार सन्नाटे में और सुबह 4:15 का टाइम है और कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और अभी खड़े वेट करते हैं कि शायद कोई रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो, क्योंकि यहाँ पीछे ही एक चौक है, यहाँ से गाड़ी जो है वो सुबह जो है 5:30 कलाम के लिए जाएगी, तो उसका भी वेट करें। लेट्स होप कि कोई रेस्टोरेंट खुले और कोई क्या कहते हैं यार, भोजन हो जाए, भोजन भोजन हो जाए जी। प्रशांत भाई खड़े हैं जी, होटल वाले को जगा रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही है, देखते हैं अभी क्या बनता और क्या नहीं बनता। प्रशांत भाई जी जी, होटल खुल गया, खुल गया, खुल गया जी, होटल वाला भी आ गया, उम्मीद नजर आ गई है। कोई रोटी पानी क्या मिलेगा? ऑमलेट पराठा, ऑमलेट पराठा चने। ओके जी, नाश्ता कर लिए, पराठे थे, अंडे, ऑमलेट, जैम, चिकन स्प्रेड, कोई चीज़ नहीं, पानी भी मिलता है, पानी अच्छा पानी मिलता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पराठे थे गरम गरम, अलॉन्ग विद दैट कप ऑफ टी था, और साथ में मज़ेदार बात ये थी मैं घर से कोई थोड़ा बहुत शामियाँ लेके चला था, शुक्र है वो गुजारा कर गई हैं जी बड़े ज़बरदस्त किस्म में। अब गाड़ी तैयार है, एज यू कैन सी गाड़ी में सामान रख ली है, और अब हम चलेंगे कलाम के लिए जी। सामान सेट हो रहा है, भाई साहब सामान सेट कर रहे हैं, बाकी ठंड जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। अरसान भाई ये गाड़ी कितनी देर तक पहुँचाएगी? ये इंशाल्लाह, वैसे तो नॉर्मली इसका जो सफ़र है स्वात से कलाम का, ये तकरीबन 2.5 to 3 hours का है, लेकिन अभी क्योंकि शहर सारा बंद है तो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो तकरीबन 2.25 hours में जो है हम कलाम। मुझे याद है जब गर्मियों में हम आए थे आपके पास तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 hours लगे थे। हाँ तकरीबन तकरीबन, हाँ इतना टाइम लग गया था। तो बाकी अभी जो है वो शहर क्योंकि बंद होता है तो हम स्पीड से, और ये लाला साथ थी, लाला लाइट मार रहे जबरदस्त लाला जी। चलो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि टाइमली पहुंच जाएंगे। अरसान भाई ने 9 का टाइम दिया हुआ कि 9 पहले पहुंच जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उमर भाई अभी तो हम उतरे भी नहीं, आपका दीदार हो गए हैं, हमें लेने के लिए खड़े हुए थे, क्या बात है, आपके दीदार में खड़े थे। ओके जी, फाइनली जो है वो कलाम पहुंच गए, और जितना सोचा था ठंड उतनी है, बाकी अब बाकी बस्ते रखने के बाद बस बैग्स वगैरह रखने के बाद बात करते हैं, और घर की तरफ चलते हैं, आप होटल की तरफ। अंदाजा ही नहीं था उमर खान आया हुआ, हमें उमर खान हमें टर्मिनल पे लेने के लिए आया था कौन से अड्डा पे जी? ओए होए, मैं आपको बर्फ के सीन चेक कराता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, मुंह से धुआं भी बहुत ज़बरदस्त निकल रहा। फाइनली पाकिजा होटल पहुँच गए, उमर साहब से बर्फ की दीवार बनाई हुई है। उमर खान होटल 2 hissos में तोड़ दिया, पार्टीशन होगी भाई, क्या बात है जी, क्या बात है। आइसबर्ग से कम नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है टाइटैनिक किसी से टकराया था
सलमान भाई किधर? वो क्योंकि सास भी कभी बहू देखा हाँ जी, वो ऐसे बुलाती है ना। ये कमरे की बैक साइड से व्यू जी सर, ये ले। सलमान भाई ये क्या है? ये जन्नत है, ये जन्नत टू है सलमान भाई। ये तो कैमरे में मुझे नहीं पता कितना सफेद आएगा या कितना व्हाइट आएगा भाई। वे वे वे। नजारे यही नजारा है जिसकी जिसको देख के मैंने होटल पसंद कर लिया था। बहरहाल जी इन्हीं नज़ारों पे अभी आज के लिए हम आपको खैरबाद कहेंगे। अब हम रेस्ट करेंगे, सो कल तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।